ये क्या रही होगी, ये भी एक सस्पेंस है। क्या ये कोई गुफा बनाई थी या कोई मंदिर था या फिर भूकंप से एक पॉन्ड है और इसमें मछलियों के लिए ललित ललित का बिल्कुल स्लो मोशन में चला हुआ है। तो गाइस ये हमारा स्पेस था, यहाँ पे दूसरे व्लॉगर आके हमें डिस्टर्ब कर रहे थे तो हमने हटा दिया। तो ये इस तरह से हम मछलियों के लिए बना रहे हैं। बहुत सारी डाली बाहरी हिस्से में बने आलों में बैकुंठ के रूप में विष्णु और दिक्पाल जो कि दिशाओं के संरक्षक है, सूर्य अग्नि। सो गाइस ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल का है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके इसका हिंदी में आज मैंने पढ़ा। तो ये मशहूर टेम्पल है, ये शैलकृत मंदिर है जो कि 19 रॉक कट मंदिर है। 1905 के विनाशकारी भूकंप में इसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो डैमेज हो गए थे। और गर्भगृह में राम सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं जो कि प्रस्तर के प्लेटफॉर्म पर रखी है, जिसे कलांतर में जोड़ा गया है। स्थानीय बोली में ठाकुर द्वारा नाम से प्रसिद्ध मुख्य मंदिर है जो पहले कभी आसपास विद्यमान अन्य मंदिरों के मॉडल का काम करता था। इसमें टोटल 19 टेंपल्स थे, उसमें से 19 टेंपल्स में से 16 टेंपल्स जो है वो एक रॉक से बनाए गए हैं 16 टेंपल्स। और बाहरी हिस्से में बने आलों में बैकुंठ के रूप में विष्णु और दिक्पाल जो कि दिशाओं के संरक्षक है, सूर्य अग्नि शिव पार्वती और सकंद कार्तिकेय जो कि योद्धा भगवान की मूर्तियां, वॉरियर गॉड बोलते हैं, उसकी मूर्तियां लगाई गई है। सो शिव के विभिन्न भागों को दर्शाते मंदिर में गगन चुंबी शिखर चैत्य गवाक से सज्जित हिंदी की प्रैक्टिस हो रही है। ओके सो इस तरह से ये मोनोलिथिक रॉक का टेंपल मशहूर है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। सो आइए अंदर से हम चल के देखते हैं। ये तो है कल्पवृक्ष, इसे तो बोलते हैं कल्पवृक्ष। यहाँ एक छोटा सा बच्चा है तो ये नाराज हो गया, किसको बता कि ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है। तो देखिए किस तरह से ये रो रहा है। तो ये देखिए अंदर से इस तरह का है ये मशहूर टेंपल। एक्चुअली साफ देख सकते हैं हम कि भूकंप में बहुत सारा इसका जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है। ये देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है ये बड़ा ही डैमेज हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा पॉन्ड है ये भाई। ओके आटा हम मछलियों के लाए हैं और मछलियों इसकी लोइयां बना के हम मछलियों को खिला रहे हैं। चलो वहाँ पे चलते हैं। ओके सो उधर से हम मछलियों के लिए आटे की लोइयां बनाएंगे और उनको खिलाएंगे। और ये देखिए पूरा व्यू, वहाँ पे वो टीम लग चुकी है। बैठ जाओ मैं बैठ के बनाती हूँ। तो गाइस ये हमारा स्पेस था, यहाँ पे दूसरे व्लॉगर आके हमें डिस्टर्ब कर रहे थे तो हमने हटा दिया। तो ये इस तरह से हम मछलियों के लिए बना रहे हैं। ये फिशेज है, बहुत सारी डालनी पड़ेगी अभी, आई थिंक डालते चलो ना कंटीन्यूअसली। अभी फिशेज आनी स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आटे की हम लोइयां बनाते हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैं डाल रहा हूँ बड़ी बड़ी पीसेज आ रही है, आप देख सकते हैं इधर। मतलब तो इस साइड आ जा। पीसेज को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर से दूसरी टीम के पास नहीं जा रही है, हमारे पास ही आ रही है सबसे ज़्यादा। बैठ जाओ अजय, बैठ के ज़्यादा बेटर आता है यहाँ पर। लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई है। Wow. Oh.
आओ यार इधर भी लाओ हमारी बच्ची भी आ रही आपको दिए क्या यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। और हिंदू धर्म में बोला जाता है कि मछलियों को चींटियों को जितने भी आप ये आटा खिलाएंगे तो दिस इज बेस्ट थिंग। एंड उसके साथ आंटी जी ने चीनी भी मिला के दी है, चीनी भी है। तो ये बड़ा ही एक शुभ संकेत होता है। सो आई थिंक जो मुझ पे अत्याचार हो रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे, हो जाएंगे। फाइनली हाँ दूसरी टीम के पास मछलियाँ ज़्यादा गई क्योंकि हमने आटा उनको दे दिया, लेकिन अभी इधर भी आएगी दूसरी मछलियाँ। ऐसे बैठ जाओ ना जी यहाँ पे आराम से। हाँ रवि दियो आटा। हाँ अब सही है। आटा दो भाई हमारा उन्हें जा आटा लेके आटा देना आटा। ओए ओए मेरे सर दे दो थोड़ा इधर भी मैंने खत्म करके छोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है मछलियों में भी और व्लॉगर्स में भी। सारे देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा आटा डालेगा। ललित तेरे को खिलानी है ये कौन सी स्पीशीज है मछलियों की? ये पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट है। अजय क्वांटिटी डालो ना तब आएंगे ढेर सारी। हाँ डालते चलो। हाँ हेलो ये क्या हो नीचे कहाँ जा रहे हो? बंद है ऊपर रास्ता। हो गया फाइनली हमने आटा खिला दिया है मछलियों को। हो गया हाँ जी ये टीम्स बन चुकी हैं। दो हमारे दुश्मन टीम है वो सामने। हाँ, उन्होंने ज्यादा आटा ले लिया एक्चुअली। हाँ, कोई बात नहीं धोखा दे दिया हमें। मछलियों को हमने चारा खिला दिया। हाथ धोने कहाँ धोएंगे? ललित ललित का बिल्कुल स्लो मोशन में चला हुआ है ये आटा। आई डोंट नो कहाँ जा रहा है एक भी मछली ऊपर नहीं आ रही आटा गूंथते तब ऐसे हाथ हो जाते हैं। हाँ ये देख लो अजय मेहनत है ये मेहनत है। नहीं मैं तो लगाता हूँ ना आटा का वो लंदन तो मैं ही बनाता था। ललित को भी सिखा दिया था हमने। अच्छा आटा गूंदना ललित ने सीख लिया था तो ये आटा गूंद के रखता था फिर मैं उठता था फिर मैं रोटियां बनाकर अजय अब अजय जा रहे हैं हाथ धोने हैंड वॉश करने वहां पे उस साइड टैप ठीक है वहां पे कर लो। ये है दोस्तों मसरूर टेंपल का इनसाइड व्यू। देखिए रॉक्स को काट के ये बनाया गया है पांडवों के टाइम पे बनाया गया था। यहाँ पे बीच में तुलसी माता है और अंदर पत्थरों मूर्तियाँ बनाई हुई है भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता माता के स्कल्पचर्स हैं अंदर। सो हम विजिट करके आएंगे। और ये साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके सामने ये छोटा सा एक पोंड है और इसमें मछलियों के लिए अलग अलग दाने वगैरह आटा वगैरह सब लेके आते हैं उनके खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हम मछलियों को आटा डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोग मछलियों को आटा डाल रहे हैं और यहाँ पे ये स्पॉट है इधर से टिकट्स मिलती है मंदिर के लिए। तो गूगल पे के द्वारा भी हम टिकट्स बुक कर सकते हैं। और अभी हम सामने इधर जा रहे हैं यहाँ से जो व्यू दिखेगा अक्रॉस सो उधर से बहुत ही अच्छी धुलाधार रेंज दिखती है। तो
वो एक लास्ट एक्साइटिंग पॉइंट बचा है इस स्पॉट का, तो उधर हम जा रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल लूज ग्रिप है। ये क्या रही होगी, ये भी एक सस्पेंस है। क्या ये कोई गुफा बनाई थी या कोई मंदिर था या फिर भूकंप से सारा ढह गया, तो ये भी एक अपने आप में रहस्य है। तो इस रहस्य को सोल्व करने के लिए किसी लोकल बंदे को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता। सो डॉक्टर विनय, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इस चीज़ के बारे में, पता है यहाँ से जो भी ये द स्पेस? ये एक्चुअली 1905 में एक भूकंप आया था। भूकंप आया था, ओके, बहुत ही जबरदस्त, तो उसके वजह से टूट गया। सो गाइस, बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक यहाँ पे ये इतना ज़्यादा डिवेस्टेशन हो रखा है, इतने ज़्यादा डैमेज है ये सारे स्कल्पचर्स। सो या, दैट कुड बी अ रीज़न। अगेन टॉप पे पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हमें, बहुत सारी ATPs खर्च हो रही है, एंड मुझे लगता है एक और चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि सो फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर। ओह वाओ, लुक एट द व्यू, क्या व्यू है। बिल्कुल दिख रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सामने, तो अभी हम धौलाधार जो रेंजेज है उनके नॉर्थ ईस्ट में है, राइट ओवर द टेंपल। और ये देखिए, आई थिंक दे आर विजिबल, या दे आर विजिबल। सो ये जो बादल दिख रहे हैं आगे, सो ये धौलाधार की रेंजेज है। और या सामने देखिएगा ग्रीनरी, तो ऊपर से मसरूर टेंपल कुछ इस तरह का दिखता है। सो दोस्तों ये है टॉप व्यू मसरूर टेंपल का, ये देखिए नीचे जो हमने आपको पॉइंट दिखाया था, और ये एंट्रेंस है, ये मेन टेंपल है, इधर हमारी गाड़ी पार्किंग की है, हमने पार्क की है गाड़ी। और पीछे से व्यू और आपको मैं दिखाता हूँ, सो ये है मंदिर के बिल्कुल पीछे से जो व्यू है, तो ये टेरेस फार्मिंग अगर आपने नहीं देखी है तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। बहुत बड़े ये फील्ड्स हैं, एंड आई थिंक गेहूं लगे हैं अभी। ये कौन सी फसल लगी है यहाँ पे इन खेतों में? गेहूँ, या सो गेहूं का सीज़न है तो गेहूं लगा रखे हैं, देखिएगा बड़े सुंदर ये खेत हैं। वाओ, दिस इज़ ऑसम व्यू।
Yeah, it's wonderful. So I was telling our viewers that कितने अच्छे टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल है. छोटे छोटे फील्ड्स देखे थे इससे पहले तो हमने लेकिन अभी दिस इज सो वंडरफुल. ये देखिए पूरा 360 व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल. ये अपने मसरूर टेंपल का फ्रंट व्यू जहाँ से हमने एंटर किया था. यहाँ पे छोटा सा एक पार्क है. यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, आके बैठ के खा सकते हैं आराम से. बहुत अच्छा पार्क बना हुआ इधर. और अगेन कम विद मी विद दिस 360 व्यू. 360 व्यू है तो अभी आगे धौलाधार अगेन इफ यू कैन स्पॉट आगे जाके आई थिंक दिखेगा. So once again, this is Dholadhar ranges.